हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने हेल्प ग्रुप चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो एम्पलीफायर वाली जो ब्लूटूथ स्पीकर होती है फ्रेंड, जिससे आप एम्पलीफायर की हेल्प से बनाते हो फ्रेंड्स, उसे मैं आपको आज ब्लूटूथ बना करके दिखाने वाला हूँ ट्रांजिस्टर की हेल्प से। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास है एक पुराने जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं उसका कवर मेरे पास यहाँ पर है, देख सकते हो। तो इसमें आज मैं आपको स्पीकर को फिट करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास भी कवर है तो आप इसे फेंकिएगा मत, आप इसे फिर से रिकवर कर सकते हो, आप इसमें बना सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले चाहिए हमें 3016 का एक मॉसफेट, जो कि आपको UPS की जो किट होती है उस पर आपको इजीली मिल जाएगी। और आपको एक रेजिस्टेंस लेना होगा 1K का, देख सकते हो। और आपको 25 वोल्ट 100 UF का एक कैपेसिटर भी लेना होगा। अलग अलग वैल्यू के आते हैं फ्रेंड्स, आप उसे भी यूज में ले सकते हो। और यहाँ पर मैं चार्जिंग पोर्ट ले रहा हूँ 5 वोल्ट का, क्योंकि मैं जो सर्किट यूज में लेने वाला हूँ वो 5 वोल्ट से चलता है। और यहाँ पर एक डायोड ले रहा हूँ IN4007 का डायोड, आपको सभी स्क्रीन पर शो हो रही होगी वैल्यू। और यहाँ पर मैं एक LED भी ले रहा हूँ, जिससे आपको पता भी चलेगा कि जो हमारी LED है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। और 47 UF का भी मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे कि मैं तो ट्रांजिस्टर से आपको ब्लूटूथ बना करके दिखाने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज में लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी मतलब आप इसे बना नहीं सकते हो घर पर। अगर आप कोशिश भी करोगे ट्रांजिस्टर से बनाने की, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको कम से कम ये वाली ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है, ये आपको लेना पड़ेगा। ये आपको लोकल मार्केट में 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा। मुझे भी ये 60 रुपये में ही पड़ा है लोकल मार्केट से। तो आप चलिए, मैं आपको इसकी जो कनेक्शन है वो मैं बता देता हूँ। तो आपको वायरिंग की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, कॉपर वायर देख सकते हो, आपको कॉपर वायर ही लेना है, क्योंकि कॉपर वायर बेस्ट होता है फ्रेंड्स। और एक स्पीकर में ले रहा हूँ 3 वाट की, जो 4 इंच की एक स्पीकर है, देख सकते हो। तो अब मैं आपको अलग अलग साइज की भी स्पीकर दिखा दे रहा हूँ। अगर आपके पास ये वाली स्पीकर नहीं है तो आप सिंपली ये वाली भी स्पीकर यूज में ले सकते हो। और अगर आपको आपके पास ये तीनों नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, इससे भी जो बड़ी वाली स्पीकर आती है, ये वाली देख सकते हो, ये 30 वाट की स्पीकर है और ये 220 वोल्ट से चलती है। ये जो आपकी घर की जो होल होती है उसमें ये लगा हुआ रहता है। तो ये स्पीकर भी आप यूज में ले सकते हो, ये भी अच्छी तरह से वर्क करेगी, क्योंकि जो मैं ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनाऊंगा वो काफ़ी पावरफुल होगा। और आप इसमें मतलब अगर आप इसमें बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी बैटरी चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको डायरेक्ट चार्जर से ही कनेक्ट करके बता दूंगा। तो अब जो रेजिस्टेंस है उसे आपको सोल्डर करना होगा मॉस्फेट के सेकेंड पॉइंट में और मॉस्फेट के फर्स्ट पॉइंट में, इस तरह से सोल्डर करना है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करते हो, पूरी वीडियो देखते हो, तो आपको पूरी अच्छी तरह से मैं समझा दे रहा हूँ। तो आप लोग इसे बनाइएगा जरूर और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। और देख सकते हो, आप जो कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमें लगा देना है डायरेक्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट पर, जहाँ पर मैंने मॉस्फेट का फर्स्ट लेग पर आपको कनेक्ट करके दिखाया था रेजिस्टेंस को, वहीं पर आपको कैपेसिटर का पॉजिटिव भी लगाना है। जिस तरह से आप एम्पलीफायर बनाते हो फ्रेंड, सेम इसी तरह से है। अगर आप ब्लूटूथ मॉड्यूल हटा देते हो तो ये बन जाएगी आपकी एम्पलीफायर, और आप ब्लूटूथ मॉड्यूल ऐड कर देते हो तो ये बन जाएगी हमारी ब्लूटूथ एम्पलीफायर। तो आप इसमें दो तरह से आप इसे यूज में ले सकते हो। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप इसे एम्पलीफायर बना लीजिए, और अगर आपके पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है तो आप इसे ब्लूटूथ एम्पलीफायर बना लीजिए। आप जो कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है फ्रेंड्स, उसे आपको लगाना होगा जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसके नेगेटिव पॉइंट में। तो देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया था, देख सकते हो। इसे आपको लगाना होगा पॉजिटिव टर्मिनल पर, देख सकते हो पॉजिटिव पर। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो पहले बन जाती है, वॉइस ओवर हमें बाद में करना होता है, क्योंकि एक साथ ही आपको बताना बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो देख सकते हो मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था नेगेटिव पॉइंट, जब भी आप एम्पलीफायर बनाते हो तो जो ऑक्स केबल लेते हो फ्रेंड्स, ऑक्स का पॉजिटिव हमेशा कैपेसिटर के नेगेटिव में लगाते हो, और ऑक्स का नेगेटिव पॉइंट आपको लगाना होता है ट्रांजिस्टर के पॉइंट पर, जहाँ पर हमारा बैटरी का नेगेटिव पॉइंट आता है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी कनेक्ट करना होगा। जो मॉड्यूल है फ्रेंड्स, उसमें लेफ्ट राइट और ग्राउंड दिया हुआ होता है। तो ग्राउंड वाले वायर को आपको जिस तरह से मान लीजिए ऑक्स केबल की नेगेटिव जो होती है, सेम उसी तरह से ये जो मॉड्यूल है इसकी भी नेगेटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव पॉइंट को आपको लगाना होगा डायरेक्ट मॉस्फेट के थर्ड पॉइंट के साथ, जो थर्ड लेग आपको नजर आ रहा फ्रेंड्स दिख रहा है, उस पर आपको इसे लगा देना होगा, सोल्डर कर देना होगा। तो देख सकते हो इसे भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है।
अब जो हमारी जो स्पीकर की जो वायरिंग आती है, मतलब जो हमारे इसका नेगेटिव पॉइंट बनेगा, तो नेगेटिव देख सकते हो, जो मॉड्यूल है लेफ्ट राइट और ग्राउंड, तो ग्राउंड वाले वायर को हमें लगा देना है मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट के साथ, जिसमें आपको ग्राउंड देना होता है बैटरी से, और इसे लगा देना है डायरेक्ट मॉस्फेट के थर्ड पॉइंट के साथ, क्योंकि हमारा जो तीन है ग्राउंड, वो तीनों ग्राउंड हमारा एक साथ ही रहेगा, क्योंकि वो सभी कॉमन होता है। अब जो स्पीकर है उसकी वायरिंग हमें करनी है, तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब जो चार्जर का है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मॉड्यूल है, मतलब मॉड्यूल नहीं फ्रेंड्स, ये पोर्ट है, और पोर्ट के नेगेटिव पॉइंट पर मैंने एलईडी का वायर सोल्डर कर दिया है, और रेजिस्टेंस मैंने नेगेटिव पॉइंट पर लगा दिया है, पॉजिटिव वायर मैंने इधर छोड़ दिया है, जो एलईडी की जो पॉजिटिव है उसे मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है, उसे मैं सबसे लास्ट में कनेक्ट करूँगा, कहाँ पर कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो डायोड है, आपको हमेशा यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि डायोड को हम किस तरह से लगाएं जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो मैंने तो इसमें बैटरी यूज में नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको बैटरी अगर आप लगाते हो आपको कहाँ लगाना होगा। तो जो डायोड का जो सिल्वर कलर का जो पार्ट है, जिसे आप एनोड भी बोलते हो, कैथोड भी बोलते हो, उस साइड में आपको लगा देना है। आप जो पॉजिटिव टर्मिनल है, चार्जर का पॉजिटिव और एलईडी का पॉजिटिव, हमें एक साथ लगाना है। अगर आप डायोड नहीं लगाते हो, डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट कर दोगे इस पर, तो जो बैटरी है वो ऑटोमेटिक लो हो जाएगी, क्योंकि आपने डायोड नहीं लगाया। डायोड का काम यही होता है फ्रेंड्स कि वो बैटरी की जो वोल्टेज है वो इंक्रीज नहीं करती, मतलब वापस नहीं आएगी फ्रेंड, वो उसी में रह जाएगी चार्ज जितनी बैटरी आपकी होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया चार्जर का कनेक्शन। अब जो डायोड का जो ब्लैक साइड होता है फ्रेंड्स, एनोड पॉइंट, उसे आपको लगा देना है डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल पर, जहाँ पर मैंने एलईडी का पॉजिटिव एक साथ लगाया था। अब जो ये वाली जो वायर है, जहाँ पर सिल्वर कलर की जो पार्ट होती है, उस पर हमें कनेक्शन करना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब जो स्पीकर है, स्पीकर का पॉजिटिव टर्मिनल आपको लगाना है मॉस्फेट के सेकेंड पॉइंट के साथ। देख सकते हो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, दोनों पर आप कमेंट मुझे कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर सर्किट डायग्राम दे दूंगा, क्योंकि सर्किट डायग्राम से ये होता है फ्रेंड्स कि आप उसे इजीली देख करके समझ सकते हो। अब जो नेगेटिव पॉइंट है, मतलब स्पीकर का जो एक वायर हमारा बचता है, वो हमारा बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल, जो हमारी बैटरी की रहती है। तो बैटरी का पॉजिटिव मतलब मॉड्यूल का पॉजिटिव, उसी तरह से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा मॉड्यूल की नेगेटिव जो है उसे आपको लगाना था, मैंने बताया था, मॉस्फेट के थर्ड पॉइंट के साथ लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वायरिंग जो है वो थोड़ी चेंज है, क्योंकि जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारा पॉजिटिव है, और जो रेड वाला वायर है वो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि वायरिंग जो है उसे मैंने एक साथ ही कर दिया था। तो आप लोग वायरिंग में कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ इसलिए ही, क्योंकि जो मैं फिर से बोलता हूँ आपको, रेड वाली वायर हमारी नेगेटिव है और ब्लैक वाली वायर हमारी पॉजिटिव। तो ब्लैक वाली वायर जो है उसे मैंने यहाँ पर जो डायोड है उसके सिल्वर वाले पार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो रेड वाली वायर है उसे हमें लगा देना है डायरेक्ट चार्जर के नेगेटिव पॉइंट के साथ, मतलब एलईडी जहाँ पर मैंने आपको सेट करके दिखाया था। अब इसे हमें पैक करना होगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हो कोई इफेक्ट नहीं है, आप लोग सोचोगे कि मैंने इसके अंदर में सर्किट का यूज कर लिया होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर ये सर्किट लगा हुआ है, मैंने इसे साइड में फिट किया है। अब जो इसका जो बेस है, बेस जो आती है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो ये बेस भी आपको, अगर आपके पास है तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अलग से कार्डबोर्ड में बना सकते हो, एमडीएफ बोर्ड में बना सकते हो, या कोई भी आपके पास बोतल होगी तो आप उससे भी बना सकते हो। तो इसे मैंने आपको पैक करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों को लगेगा कि मैं फेक वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाइए फ्रेंड्स, सभी वीडियो को आप देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी अगर फेक वीडियो मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। मुझे यकीन है क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो आज तक मैंने एक भी फेक वीडियो नहीं बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट हो गया, तो अब मैं आपको तुरंत से इसे चेक करके भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर मैंने चार्जर को भी लगा दिया है, पीछे में यहाँ पर एक एलईडी मैंने लगा दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए मैं आपको अब इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसे बिजली के बोर्ड में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑन हो गया है और पीछे हमारा एलईडी जो है वो अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसे तुरंत से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये ब्लूटूथ है फ्रेंड्स, तो आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चला सकते हो। तो मैं आप कोई भी सॉन्ग को आपको चेक करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सुन सकते हो फ्रेंड्स, जो इसकी साउंड है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड्स,
कोई फेक वीडियो नहीं है, अच्छी तरह से वर्क करती है, क्योंकि मैंने इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया है इसलिए, क्योंकि मेरे पास जो ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर होती है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी आप इसे चला सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में।